अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी ड्रामास प्रोमो। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मलाल यार के एपिसोड नंबर 36 और आने वाले प्रोमो एपिसोड नंबर 37 के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कि आज के एपिसोड में हमने क्या देखा। आज हमने देखा एक दफा फिर से अंबर की वही हरकतें और फाइक को वही सिच करना, और मिनहल ने देख लिया उन दोनों को एक साथ शॉपिंग पर जाते हुए। फाइक नहीं चाह रहा था उसके साथ जाना, लेकिन अंबर जबरदस्ती उसे लेकर गई। अंबर की वालदा ने उसे थप्पड़ भी मारा इस बात की वजह से। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हुरिया बहुत परेशान है बानो के मामले पे। वो बानो को उसका हक दिलाना चाहती है कि ये उसका हक है कि वो अपनी मर्जी से अपनी शादी करे। और नेक्स्ट में भी व्यूवर्स हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट में हम यह देखेंगे कि बानो को भगा देगी हुरिया, लेकिन साथ उनके कोई और भी होगा, शायद वो गुलाम अली का बेटा होगा जिसके साथ वो भगाएगी बानो को। तो हुरिया के ऐसा कदम उठाने पर क्या करेंगे उसके ताया जान और बालाज उसके साथ, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि नेक्स्ट में बीबी जान, जो कि अंबर की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा जिच आ चुकी हैं, वो कहेंगी कि हमें मिनहल और फाइक की शादी में देर नहीं करनी चाहिए, जल्द अज जल्द मिनहल और फाइक की शादी हो जानी चाहिए। हुरिया के तायाजान ने कदीर को जुबान दी थी कि तुम्हारी शादी बानो के साथ ही होगी, लेकिन हुरिया ने एक इंतहाई कदम उठाया और बानो को भगा दिया। अब क्या होगा? क्या हुरिया के तायाजान इस बात पर हुरिया से और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, और क्या होगा उनका अगला कदम, ये हमें अगले एपिसोड से ही पता चलेगा। मलाल यार और बाकी ड्रामों की अपडेट्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।